अगली चीज जो हम अब पढ़ने वाले हैं वो शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स है। अच्छा बेटा, आपने यस केमिस्ट्री में आपने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपने कहा था कि कुछ डिफरेंट शेल्स होते हैं। एस शेल होता है, पी शेल होता है, डी शेल होता है और एफ शेल होता है। ठीक है, अब एस शेल के बारे में आपने कहा था कि स्फेरिकल शेप होता है, पी कहा था कि डबल शेप होता है, डी कहा था कि वेरियस शेप्स होती है इसकी, और एफ कहा था कि इसकी भी वेरियस शेप्स होती है। अब हम डी के बारे में अगर इस अभी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो वेरियस शेप्स होती हैं ये कौन सी वेरियस शेप्स होती हैं? ठीक है, कोई बता सकता है? हमें नहीं पता, कोई नहीं बता सकता। अच्छा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने पढ़ा भी नहीं है। तो हम जो अब हैं वो इसके वेरियस शेप्स के बारे में हम बात करते हैं और मैं शेप्स बनाऊंगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा, ये पहली शेप बनी एक्स और वाई एक्सिस के क्रॉस, इसको डी एक्स स्क्वेयर डैश वाई स्क्वेयर कहते हैं। ये डी एक्स, सॉरी, ये वाई और एक्स एक्सिस के अक्रॉस जो बनी शेप वो कुछ ऐसी बनी, और इसको आप डी एक्स वाई कहते हो। जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान बनी वो एक ही शेप, सिमिलर शेप, इसको डी वाई जी कहते हैं। जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के दरमियान जब बनी, ये नोट करें ना साथ साथ, ये डी एक्स जेड थी, और जेड एक्सिस पर जब बनी इस तरह, जेड एक्सिस पर ऐसे बनी और इसके दरमियान दो रिंग्स बनी, तो इसको डी जेड स्क्वेयर कहा गया। ठीक है, ये आपके पास शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स हैं, फाइव शेप्स हैं। ठीक है, पहली वाली देखें, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर बनी तो वो डी एक्स स्क्वेयर डैश वाई स्क्वेयर है। ये जो है ये डी एक्स स्क्वेयर डैश वाई स्क्वेयर है, ये डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर नहीं है, और ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, कोई एलजेब्रा नहीं है। ये इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अलजेब्रा ना घुसा देना अपना। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर जब बनी तो डी एक्स वाई, जेड एक्सिस वाई एक्सिस की उसमें बनी तो डी वाई जी, जेड और एक्स एक्सिस में डी एक्स जेड, और जेड एक्सिस पर बनी और उसके अराउंड दो रिंग्स बनी तो ये डी जेड स्क्वेयर बन जाता है। ठीक है, इसकी एक साफ सी डायग्राम जो है वो ये है कि ये देखें आप, इसमें देखें ये दो रिंग्स हैं, ऐसी एक रिंग बनती है इसके आसपास, तो ये डी जेड स्क्वायर होती है। ये डी एक्स वाई बन गई, ये डी वाई, ये डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ये डी वाई जी, डी जेड एक्स। आप ये वाली जो है ये बना लें। ठीक है, अब कुछ लिखने वाला काम आता है और अब इसको लिखिएगा प्लीज। ये ऊपर वाली चीज बनाई और इसको साथ साथ जो है वो लिखना भी है। ये सिर्फ लिखने वाला काम है सिर्फ, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, तो बस मैं अब आगे करता जाऊंगा, आपने लिखते जाना है। ये ऊपर वाली चीज बनानी है, ये सारा बनाना है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं और ये वाला लिखना है अब।
इसके बाद इसको लिख लें, लिखिए इसको भी। हम इसको अब इसको लिखते हैं। अब इसको लिखें, इसके बाद इसको, और इसके बाद इसको एक नई चीज जो है वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स। स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स की डेफिनेशन देखें तो इट इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन इन अ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसकी जो सिंबल है वो है के स्टैब। ठीक है, आपने के स्टैब, आपने माशाल्लाह से के सी, के पी, के डब्ल्यू, के ए, के पी सी, के एस पी और अब के स्टैप जो है वो पढ़ लिया है। ठीक है, के स्टैप पढ़े, ये सारे आपने पहले जो है वो पढ़ लिए हैं। सो आपको एक अच्छा आइडिया है क्या क्या पढ़ लिया है, के सी, के पी, के डब्ल्यू, के ए, के पी सी, के एस पी और आप ये के स्टैप। ठीक है, ये क्या है, के स्टैप। ठीक है, अच्छा इसके रूल्स क्या है, के स्टैप द रूल्स, ट्रीट एज केसी। ठीक है, के स्टैप को आपने केसी की तरह ही करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द पावर इन द इक्वेशन, इग्नोर वाटर ऑन इट्स ओन, स्क्वायर ब्रैकेट्स ओवर स्क्वायर ब्रैकेट्स, रिमेंबर टू कैलकुलेट यूनिट्स। एग्जाम्पल देखते हैं इस इक्वेशन की, आप के स्टैप जो है वो लिखनी है। इस इक्वेशन की के स्टैप कैसे लिखेंगे, आप देखें कि आपके पास केसी की तरह ही करना है। प्रोडक्ट्स आपने ऊपर लिख देने, सी ओ सी एल फोर टू नेगेटिव अपॉन सी ओ एच टू ओ सिक्स टू पॉजिटिव प्लस फोर सी एन नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें ये टू पॉजिटिव, ये टू माइनस कर दिएगा। ठीक है, ऊपर का जो है वो मोल डी एम माइनस थ्री फोर माइनस फोर रह जाएगा। ठीक है, अगर टू पॉजिटिव माइन प्लस वन तो टू माइनस ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा, मोल माइनस फोर डी एम माइनस ट्वेल्व, तो ये इसके यूनिट्स आ जाएंगे। वाटर को क्यों नहीं हमने ऐड किया, वाटर को इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इग्नोर वाटर ऑन इट्स ओन, तो वाटर को आपने इग्नोर कर देना, वाटर को यहाँ पे नहीं लिखना। ऊपर से वाटर है भी तो लिक्विड स्टेट में ना, तो मोल पर डीएम क्यूब हमें चाहिए, मोल डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं, वाटर की तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती ना, वाटर लिक्विड है।